और बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुरेंद्र सिंह सेला को टिकट मिलने का विरोध होने लगा है। मजबूत दावेदारों को नजरअंदाज करने का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की दूसरी सूची होने के बाद विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बगावत शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद से विरोध तेज हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद बुरहानपुर में बगावत शुरू हो चुकी है। बुरहानपुर के 23 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बुरहानपुर से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को सभी पार्षदों ने इस्तीफा सौंपा है। सुरेंद्र सिंह सेरा को टिकट देने का सभी ने एक सुर में विरोध किया है और मजबूत दावेदारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। तो बता दें कि कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद ये विरोध के सुर उठने लगे हैं। प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर सभी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। पार्षदों की मांग है कि प्रत्याशी बदला जाए। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद से बगावत शुरू हो चुकी है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 23 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है सामूहिक रूप से। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को सभी ने इस्तीफा सौंपा है। सुरेंद्र सिंह सेरा को टिकट देने का सभी ने एक सुर में विरोध किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल, ये एक तरह की स्ट्रेटजी है या कांग्रेस में बाकी विरोध शुरू हो चुका है? मैं चाहूंगा कि जिस तरह से बुरहानपुर में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होते ही जो है ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा का नाम आया, जिस प्रकार से देर रात से ही जो है यहाँ पर विरोध के सुर उठने लगे। यदि हम बात करें अल्पसंख्यकों की, तो जिस तरह से यहाँ मांग उठ रही थी काफी समय से, लगातार पिछले 6 माह से यहाँ पर मांग उठ रही थी कि यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन जिसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर 23 पार्षदों ने कांग्रेस महासचिव प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को इस्तीफा सौंप दिया। इस समय यहाँ प्रदेश के उपाध्यक्ष हमित काजी, जो कि पूर्व विधायक भी मौजूद थे, इस प्रकार उन्होंने लगातार जो है यहाँ पर 23 पार्षदों ने इस्तीफा सौंपकर विरोध जताया है। यदि हम बात करें तो लगातार कल रात देर रात से ही जो है यहाँ विरोध के सुर उठने लगे थे। ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा का अल्पसंख्यकों ने यहाँ पर पुतला भी दहन किया था और यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान जो है इनकी बात पर पुनः विचार करेगा। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी का कहना है कि यहाँ पर काफी समय से इस तरह की बात उठ रही थी, जिसको लेकर के आज नाराज पार्षदों ने मेरे पास में इस्तीफा सौंपा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या वाकई ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध है या सुरेंद्र सिंह सेरा के खिलाफ में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सुरेंद्र सिंह सेरा जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने वहां से निर्दलीय चुनाव जीता और उन्होंने एक बीजेपी की ऐसी दिग्गज मंत्री को हराया जो उस समय मौजूदा सरकार में मंत्री थी, लेकिन दोबारा कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और दोबारा उनको टिकट दिया। तो क्या ये माना जाए कि उनके खिलाफ में माहौल बनाने की कोशिश है या सिर्फ ये बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक नाराजगी है, एक रोष है जो अब इस्तीफे के तौर पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा जो कि निर्दलीय विधायक थे, जिन्होंने कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस को हराया था और कांग्रेस की जमानत जब्त की थी, लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो है 2018 का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और उसके बाद जो सरकार गिरी तो उसमें भी इनका अहम रोल था और उन्होंने कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर सरकार का और बीजेपी का जो है इन्होंने बाहरी तौर पर समर्थन किया था, जिसके चलते आज जो पार्षदों ने और कांग्रेसियों में जो रोष है उनका ये मानना है कि उनकी कांग्रेस पार्टी से सदस्यता भी निरस्त की गई थी और आज जो है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बावजूद जो है कांग्रेस की उपेक्षा करते हुए एक निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस के हमेशा बगावत किए, उनके लिए जो है इस तरह का आज रोष जताया जा रहा है। जी बिल्कुल गोपाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बुरहानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 23 पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को सभी ने एक सुर में इस्तीफा सौंपा है। सुरेंद्र सिंह सेरा को टिकट देने का विरोध किया है। मौजूदा बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा मौजूदा दौर में विधायक है और मजबूत दावेदारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद ये विरोध के सुर उठने लगे हैं। प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर सभी ने इस्तीफा दे दिया है।